केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन मापने और किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने प्रदेश व्यापी वजन त्योहार की शुरुआत। और बस्तर संभाग के सभी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें ज्यादातर नए चेहरे शामिल हैं। इनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद का ये पहला विस्तार है। भाजपा नेताओं में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव तथा जनता दल यूनाइटेड के आरसीपी सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांदलजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम जरदोश, मीनाक्षी लेखी और अन्नपूर्णा देवी को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। वहीं ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बी एल वर्मा, अजय कुमार चौहान, देवू सिंह और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता कपिल पाटिल, सुभाष सरकार, भारती पवार, विश्वेश्वर तुडू, शांतनु ठाकुर, जॉन बार्ला, एल मुरुगन और निशीथ प्रमाणिक तथा अन्य को भी राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रिपरिषद के विभागों की घोषणा भी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री होंगे। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। किरेन रिजिजू कानून मंत्री होंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं। अनुराग ठाकुर नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनसुख मांडविया को नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल नए पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्री होंगे। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री होंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री होंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री होंगे। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह अन्य राज्य मंत्रियों को भी मंत्रालय का आवंटन किया गया है। अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का प्रभार संभाल लिया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को वे बेहतर ढंग से निभाने के साथ ही देशवासियों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरेंगे। लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े
लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊँ। उल्लेखनीय है कि श्री ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ ही युवा कार्य और खेल मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। देश में अब तक 2,98,00,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.37% रह गई है। सक्रिय मामलों की दैनिक दर लगातार 17वें दिन 3% से कम होकर 2.42% रह गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 0.9% है। कल प्रदेश भर में 330 कोरोना के नए मरीज पाए गए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,96,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में लगभग 5,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान भी लगातार जारी है। अब तक 1,03,000 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 85,10,000 से अधिक लोगों को इसका पहला टीका और 17,65,000 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदेशव्यापी वजन त्यौहार शुरू हो गया है। यह त्यौहार 16 जुलाई तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे इस वजन त्यौहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे यदि मजबूत होंगे और ताकतवर बनेंगे तथा बेटियों में खून की कमी दूर होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का अनिवार्य रूप से वजन कराकर उनके सुपोषण स्तर का मूल्यांकन कराने और किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन टेस्ट की अपील सभी से की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिरगांव में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीलू परघनिया और कुपोषण से स्वस्थ हुए बच्चे की माता संगीता साहू से भी चर्चा कर सुपोषण योजना के बारे में जानकारी ली। बिरगांव के कार्यक्रम में मौजूद विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बच्चों और बालिकाओं में कुपोषण खत्म करने के लिए ये सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। कुपोषण खत्म करने का सबसे बड़ा अभियान हमारे प्रदेश में चला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपोषण योजना का प्रारंभ किया, उसके तहत लाभ हो रहा है बच्चों को और बच्चे स्वस्थ हों, किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन चेक हो, बच्चों की ऊंचाई देखी जाए, औसत ऊंचाई देख करके वजन देख करके बच्चों को और सुपोषित करने का अभियान तेजी से प्रदेश में चल रहा है। रायपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि वजन त्योहार के दौरान बच्चों का वजन लिया जाएगा, वहीं किशोर बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा। पूरे राज्य में आज वजन त्यौहार 7 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। वजन त्यौहार में विशेष तौर से हम लोग इस जिले में 1,61,000 बच्चों का वजन करेंगे और इसी वजन त्यौहार में हम बच्चों की दुर्बलता और बौनापन दोनों की भी जांच हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन जांच भी की जाएगी। और रायपुर जिले में वजन त्यौहार के आयोजन के लिए 1,882 आंगनवाड़ी केंद्रों को क्लस्टर में बांटा गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिम जाति विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में पात्र लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र दिए जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनांचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए भूमि के उपभोग का अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने वन भूमि पट्टा वितरण की शुरुआत जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव से करने को कहा ताकि उन्हें खेती किसानी के लिए आवश्यक मदद
और शासन की योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा सके। आयुक्त शमीद आबिदी ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम संबंधित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत कोरबा और धमतरी जिले से की गई है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था के केंद्र हैं। देवगुड़ियों को संरक्षित करने के साथ ही देवगुड़ी स्थल को बेहतर ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रयास आवासीय विद्यालयों सहित अन्य विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रयास आवासीय विद्यालय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों से सतत संपर्क और कैरियर काउंसिलिंग का सिस्टम विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर बस किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बस संचालकों ने आज राजधानी रायपुर में बसों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने चेतावनी दी है कि बस किराया नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में प्रदेश में बसों का संचालन आगामी 13 जुलाई से बंद कर दिया जाएगा। यातायात महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुराने किराए पर बसों का संचालन किया जाना कठिन है। बस संचालकों ने यात्री किराए में 40% की वृद्धि और बसों और परमिटों के निष्प्रयोग के लिए 2 माह की समय सीमा को समाप्त किए जाने की मांग की है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अभूतपूर्व रीति से वृद्धि हो चुकी है। लगभग 70-80% डीजल की मूल्य वृद्धि हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो बस संचालक गण हैं वो पुराने किराए पर अपनी बसों का संचालन करने में पूर्णतः असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है, क्योंकि ये क्षेत्राधिकार सरकार का है कि वो किराया बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई करें, तो सरकार को जल्द से जल्द किराया बढ़ाना चाहिए। दूसरी मांग ये थी कि जो बसों के निष्प्रयोग की सीमा है केवल 2 माह की है। जैसे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या किसी टेक्निकल खराबी से, यांत्रिकी खराबी वर्षा काल में या किसी जब्ती में दुर्घटना में जब्त हो जाती तो 2-3 महीने लग जाते हैं उसका रिपेयर कराने में बनाने में, तो ऐसी स्थिति में केवल 2 महीने के निष्प्रयोग की समय सीमा जो है वो उचित नहीं है। उस समय सीमा को समाप्त करना चाहिए, नहीं तो छोटे छोटे बस संचालक समाप्ति की कगार पर पहुँच जाए। बस संघ वालों की मांग बिल्कुल जायज़ है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण यात्रियों का किराया भी बढ़ना चाहिए, और अगर ये किराया नहीं बढ़ता है तो ये बसें बंद करेंगे। यहाँ के व्यापारियों का जो मुसाफिरियों के भरोसे धंधा चलता है वो धंधा पूरा बंद हो जाएगा। वैसे इतने साल भर से बंद पड़ा है और इसके हड़ताल से हमको बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो शासन से अपील है कि इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। उल्लेखनीय है कि यातायात महासंघ द्वारा बस किराए में वृद्धि की मांग को लेकर परिवहन मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और अब ऐसी स्थिति में आगामी 12 जुलाई को भी रायपुर में एक बार फिर धरना दिया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन मापने और किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने प्रदेशव्यापी वजन त्योहार की शुरुआत। और बस्तर संभाग के सभी जिलों में पात्र लोगों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन जरूर करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।